हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का ये हमारा आज थर्ड वीडियो है और इसमें आज हम करेंगे एक तो कार्नोट इंजन, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फिजिक्स डॉट एजू डॉट राजेंद्र, चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इससे पहले हमने देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किया था, उसकी कुछ लिमिटेशन थी। नंबर एक तो पहले लिमिटेशन क्या है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट इंडिकेट दी डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र, वो डायरेक्शन नहीं बताता। सेकंड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द कंडीशन अंडर विच हीट कैन बी ट्रांसफर इनटू वर्क। और थर्ड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डज नॉट इंडिकेट्स एज वाई द होल ऑफ द हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क कॉन्टिन्यूसली। इसी एक्सपीरियंस पर हमारा जो बनाया गया है वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक आउटकम है हमारे एक्सपीरियंस का, किसके बेस पर, हीट इंजन के बेस पर, रेफ्रिजरेटर के ऊपर, और स्पेसिफिक जो कंडीशन होती है अंडर विच हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। द लॉ कैन बी स्टेटेड इन नंबर ऑफ वेज एंड दाउ, फिर भी हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा कंसाइज करने के लिए आपके सिलेबस के हिसाब से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ आउटकम्स जो रहते हैं, एग्जांपल, नो बॉडी हैज नेवर सीन ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल जंपिंग टू ए हाइट बाय इटसेल्फ, बट सच थिंग वुड बी पॉसिबल इफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वेयर द ओनली रेस्ट्रिक्शन द टेबल कुड कूल स्पॉन्टेनियसली कन्वर्टिंग सेम या थोड़ी बहुत इसकी जो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी है, उसको इक्वल अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में वो यदि कन्वर्ट कर देती है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स ए फंडामेंटल लिमिटेशन टू स्पेसिफिक एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। इन सिंपल टर्म्स इट से दैट एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैन नेवर बी यूनिटी। ये मेन है इसमें पॉइंट। अब चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट स्पॉन्टेनियसली ऑकरिंग प्रोसेस विल ऑलवेज लीड टू एन एक्सलेशन इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। इन सिंपल वर्ड द लॉ एक्सप्लेन दैट आइसोलेटेड सिस्टम्स एंट्रोपी विल नेवर डिक्रीजेस ओवर टाइम। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इंक्रीज्ड एंट्रोपी। मैथमेटिकली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिप्रेजेंटेड एज चेंज इन एंट्रोपी, इनके डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो। ये है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जहाँ पर हम डेल्टा है एस इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स यूज कर रहे हैं यहाँ पर। बेसिकली एंट्रोपी होती क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। एंट्रोपी इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ ए रैंडमनेस, इट इज डिनोटेड बाय एस, इट इज ए स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये हमारे पास क्या, कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये स्टेट फंक्शन है। एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, ये एक रैंडमनेस या डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम का एक तरह से मेजरमेंट होता है। ग्रेटर द रैंडमनेस, जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी हायर इज द एंट्रोपी, एंट्रोपी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। सॉलिड स्टेट हैज लोवेस्ट एंट्रोपी, सॉलिड में एंट्रोपी सबसे कम होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। गैसेज स्टेट हैज़ द हाइएस्ट एंट्रोपी एंड द लिक्विड स्टेट हैज़ द एंट्रोपी इन बिटवीन टू। मतलब क्या है,
गैसेज की एंट्रोपी क्या है, हाईएस्ट है, और सॉलिड की लोवेस्ट है, तो लिक्विड हैज एंट्रोपी बिटवीन सॉलिड एंड गैसेज। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आ जाता है कई बार। द चेंज इन इट्स वैल्यू ड्यूरिंग ए प्रोसेस इज कॉल्ड एंट्रोपी चेंज, यानी कि जो डेल्टा ऐसे है। अब इसकी जो हमारी स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, हमारे पास दो तरह की स्टेटमेंट होती है। सबसे पहली स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहती है नो प्रोसेस इज पॉसिबल वोज रिजल्ट इज द एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम रिजर्वर एंड द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। मतलब इट इज इम्पॉसिबल टू ड्राइव ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क बाई कूलिंग ए बॉडी टू ए टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ द कोल्डेस्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग। मतलब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस अलो दी सम प्रोसेस कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक्सप्लेनेशन यदि हम इसका करना चाहें केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का, इट इज ऑलवेज इम्पॉसिबल दैट टोटल अमाउंट ऑफ हीट विच इज सप्लाइड टू ए सिस्टम विल गेट कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड देयर विल ऑलवेज बी लॉस ऑफ हीट, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल। और दूसरी हमारे पास क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहती है, नो प्रोसेस इज पॉसिबल वोज रिजल्ट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्डर ऑब्जेक्ट टू ए हॉटर ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडिड बाई एनी एक्सटर्नल एजेंसी टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अनादर एट हायर टेम्परेचर। एक्सप्लेनेशन यदि हम लेना चाहें, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी वुड नॉट टेक प्लेस अनटिल सम एक्सटर्नल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का यदि आप सिंपली मीनिंग देखते हैं, एक तो जो प्रोसेस रिवर्स हो सकती है और एक होती है प्रोसेस जो रिवर्स नहीं हो सकती। तो फिजिक्स के हिसाब से हम रिवर्सिबल प्रोसेस किसको कहते हैं और इरिवर्सिबल किसको बोलते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं। इमेजिन फ्रॉम, मान लो कोई प्रोसेस है किसी थर्मोडायनेमिक्स में, फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट तक जाती है, और ड्यूरिंग द प्रोसेस सिस्टम एब्सॉर्ब हीट सराउंडिंग से एंड परफॉर्म वर्क W ऑन इट। कैन वी रिवर्स दिस प्रोसेस, क्या हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं? तो ये कुछ हमारे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हीं क्वेश्चनों को हम समझेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के द्वारा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज रिवर्सिबल कब कहेंगे, इफ द प्रोसेस कैन बी टर्नड बैक सच दैट सिस्टम एंड सराउंडिंग रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट्स विद नो अदर चेंज एनीवेयर एल्स इन यूनिवर्स। मतलब एनी प्रोसेस विच कैन बी मेड टू प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन विद इक्वल ईज बाई वेरिएशन इट्स कंडीशन सो दैट ऑल चेंज ऑकरिंग इन डायरेक्शन प्रोसेस आर एग्जैक्टली रिवर्स्ड इन रिवर्स प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। कहने का मतलब है, इफ इन द डायरेक्शन प्रोसेस वर्क इज डन बाय द सिस्टम इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क विल हैव टू बी डन ऑन इट एंड इन द रिवर्स प्रोसेस। फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस कंडीशन होती है इसमें दो, नंबर एक प्रोसेस शुड टेक प्लेस वेरी स्लोली सो दैट सिस्टम इज ऑलवेज इन मैकेनिकल थर्मल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा सिस्टम शुड बी फ्री फ्रॉम डिसिपेटिव फोर्सेज लाइक फ्रिक्शन विस्कॉस किसी तरह के फोर्स से
वो फ्री होना चाहिए। कारण क्या है, एनर्जी स्पेंट अगेंस्ट सच फोर्सेस कैन नॉट बी रिकवर्ड बैक, इन फैक्ट देर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू फ्रिक्शन एंड ड्यू टू कंडक्शन एंड रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम द, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन रिवर्सिबल प्रोसेस, ए प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल स्टेट देन गोज टू फाइनल स्टेट एंड देन इट कैन रिवर्स्ड बैक फ्रॉम फाइनल स्टेट टू इनिशियल स्टेट। एग्जाम्पल थोड़े से लेंगे, आइसो थर्मल एक्सपेंशन कंप्रेशन इलेक्ट्रोलिसिस। डे टू डे लाइफ में यदि हम देखना चाहें, एग्जाम्पल एन आइडियल गैस अलाउड टू एक्सपेंड स्लोली देन कंप्रेस स्लोली सो एज टू रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट। दूसरा, वर्किंग सब्सटेंस टेकन अलोंग द कंप्लीट कार्नोट साइकिल। थर्ड, ऑल मैकेनिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस अंडर एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। और एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, फोर्थ, ऑल थर्मल प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट इनफाइनिटली स्लो रेट। ए प्रोसेस इज रिवर्सिबल इफ इट इज क्वेसी स्टेटिक, नो डिसिपेटिव फोर्स, बोथ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम आर इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। अब करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की क्या होती है। इरिवर्सिबल प्रोसेस आर दोज दैट कैन नॉट बी रिवर्स, टू कोज विच गिव्स राइज टू इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेसेस टेक प्लेस एट ए वेरी फास्ट रेट, डिसिपेटिव इफेक्ट होता है इसमें। कहने का मतलब क्या है, एनी प्रोसेस विच कैन नॉट बी मेड टू प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। एग्जाम्पल मैं यदि देखना चाहें, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है हमारी, कंब्यूशन डिफ्यूजन फॉलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम हिल, तो इनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। एडियाबेटिक एक्सपेंशन कंप्रेशन ऑफ ए गैस इज आल्सो इरिवर्सिबल प्रोसेस। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस फ्रॉम द ऑब्वियस रीजन। डिजॉल्विंग ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर इन इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन टू बॉडीज इज आल्सो एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये है हमारे कुछ एग्जाम्पल रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के, ठीक है। अब करते हैं हम कॉर्नेट इंजन के बारे में। कॉर्नेट इंजन क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल मतलब अच्छे एग्जाम्पल भी आते हैं इसके ऊपर, न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो कॉर्नेट इंजन हीट इंजन भी बोलते हैं इसको हम कई बार, और इसमें एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन की भी हम यूज करके चलेंगे, ठीक है। तो होता है क्या है कॉर्नेट इंजन, कॉर्नेट इंजन ये थ्योरेटिकल थर्मोडायनेमिक साइक्लिक प्रोसेस होती है एक तरह से, और प्रपोज्ड बाय लियोनार्ड कॉर्नेट के द्वारा ये बनाया गया था। इट गिव द एस्टिमेट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी दैट ए हीट इंजन ड्यूरिंग द कन्वर्जन प्रोसेस ऑफ हीट इनटू वर्क एंड कन्वर्सली वर्किंग बिटवीन टू रिजर्वायर एंड कैन प्रोसेस। इट इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ नेट मैकेनिकल वर्क डन पर साइकिल बाय द गैस टू द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब पर साइकिल फ्रॉम द सोर्स। इसमें जो नेट एफिशिएंसी हमारी होगी वो होती है नेट वर्क डन बाय द गैस डिवाइड बाय हीट एब्सॉर्ब बाय द गैस, ये रहेगा इसके अंदर हमारा टोटल नेट एफिशिएंसी जो इसमें रहेगी, ठीक है। ये आप याद कर लीजिए, बिल्कुल आसान है। ये हमारा इसमें फिगर बनेगा कॉर्नेट इंजन में। सपोज वी हैव ए हॉट रिजर्वायर एट टेम्परेचर T1 एंड ए कोल्ड रिजर्वायर एट ए टेम्परेचर T2। हम मान कर चलते हैं, व्हाट इज मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉसिबल फॉर ए हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू रिजर्वायर एंड व्हाट साइकिल ऑफ प्रोसेस शुड बी अडॉप्टेड टू अचीव द मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो एक थे हमारे सैडी कॉर्नेट, ए फ्रेंच इंजीनियर, फर्स्ट
कंसिडर दिस इक्वेशन इन 1824 कॉर्नट अराइव्ड एट करेक्ट आंसर इवन दाउ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हैड येट टू बी फर्मली इस्टेब्लिश्ड। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। जो कॉर्नट साइकिल है हमारा, यानी कि जो कॉर्नट हीट इंजन है, उसके हमारे पास पांच पार्ट होते हैं। नंबर एक होता है इसके अंदर सिलेंडर होता है। नंबर एक तो क्या होता है, सिलेंडर होता है। थोड़ा सा हम आपको वैसे थ्योरी समझा देते हैं। कॉर्नेट में एक तो सिलेंडर होता है। मेन पार्ट ऑफ कॉर्नेट इंजन इज सिलेंडर हैविंग परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स, परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स होती हैं। दूसरा इसमें होता है हीट सोर्स, इट इज ए हॉट बॉडी इनफाइनिटली लार्ज थर्मल कैपेसिटी वर्किंग सब्सटेंस। और तीसरा होती है इसमें एक हीट सिंक होती है, इट इज अ बॉडी एट सम लोअर टेम्परेचर, इट हैज आल्सो इनफाइनिट थर्मल कैपेसिटी। और चौथा इसमें होते हैं इंसुलेटिंग सैंड, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ कॉर्नेट साइकिल वर्किंग सब्सटेंस अंडरगोज एडियाबेटिक एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। फॉर दिस सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन ए परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग स्टैंड थर्मली आइसोलेटेड द वर्किंग सब्सटेंस। और लास्ट में होते हैं इसकी वर्किंग कैसी होगी, एंड आइडियल गैस इज यूज एज वर्किंग सब्सटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं ना, फिगर में क्या दिखाया गया है हमारे पास, ए प्रोसेस इज रिवर्सिबल इफ इट इज क्वेसी स्टेटिक नॉन डिसिपेटिव, हमने ये पढ़ा हुआ है। वी दस हैव डिफाइंड, मतलब हमें जो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे दो स्टेप रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए। नंबर एक आइसोथर्मल प्रोसेस एट टेम्परेचर T1 एंड एब्सॉर्बिंग हीट Q1, देख इसमें आप देख सकते हैं Q1 हीट दिखाया गया और Q2 हीट दिखाया गया, ठीक है ना। ये दो पॉइंट हम लेकर चलेंगे, Q1 हीट हो जाएगी और Q2 हीट, दो हीट हमारी। मतलब वी हैव दस आइडेंटिफाइड टू स्टेप्स ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन, आइसोथर्मल प्रोसेस एट टेम्परेचर T1, एब्सॉर्बिंग हीट Q1, हीट Q1 उसको एब्सॉर्ब करती हुई, ठीक है। दूसरा एंड अनादर आइसोथर्मल प्रोसेस एट टेम्परेचर T2 रिलीजिंग द हीट Q2, और दूसरी हमारी हीट Q2 रिलीज होती हुई, ठीक है, टू द कोल्ड रिजर्वायर। टू कंप्लीट ए साइकिल वी नीड टू टेक सिस्टम फ्रॉम टेम्परेचर T1 to T2। यदि हम इसको कंप्लीट साइकिल देना है तो मान लेते हैं हम टेम्परेचर T1 से T2 की ओर चलते हैं, देन बैक फ्रॉम टेम्परेचर, पहले तो हम क्या करेंगे टेम्परेचर T1 से T2 की ओर जाएंगे और फिर टेम्परेचर T2 से T1 की ओर आएंगे। तो कंप्लीट प्रोसेस हमारी तभी बनाएंगे। विच प्रोसेस शुड बी एम्प्लॉय फॉर दिस पर्पज दैट आर रिवर्सिबल, होगी क्या ये, ए लिटल रिफ्लेक्शन सो दैट वी कैन ओनली अडोप्ट रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस फॉर दीज पर्पज विच इन्वॉल्व नो हीट फ्लो फ्रॉम एनी रिजर्वायर। इफ एम्प्टी कर लेते हैं हम इसको, यानी कि कहने का मतलब इफ वी एम्प्लॉय एनी अदर प्रोसेस दैट इज रिजर्वायर नॉट एडियाबेटिक से आइसोचोरिक प्रोसेस टू द सिस्टम फ्रॉम वन टेम्परेचर टू अनादर वी शैल नीडेड ए सीरीज ऑफ रिजर्वायर इन द टेम्परेचर रेंज T1 से T2 टू इंश्योर दैट। यदि हमें इस तरह की बातें करनी है तो हम इसमें मेन पॉइंट हमारा क्या रहेगा, स्टेप एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैसेज टेकिंग प्लेस एट फ्रॉम P1, T1 और T1 और यहाँ पर टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा T1 रहेगा, ठीक है ना, ये पहला स्टेप रहेगा। द हीट एब्सॉर्ब बाई गैस Q1 फ्रॉम द रिजर्वायर टेम्परेचर T1 इज गिवन बाई, हमारा जो हीट इसके अंदर रहेगी हमारे पास क्या रहेगी, उसकी इक्वेशन जो हम करेंगे उसके द्वारा हम यूज़ करेंगे स्टेप वन में। तो उसके लिए स्टेप वन के लिए हमारी हीट क्या रहेगी, एफिशिएंसी हमारी क्या होती है, देखिए न्यू ईटा इज इक्वल टू W/Q1 और Q1 - Q2 भी कह सकते हैं, divided by Q1 1 - Q2/Q1, ये एफिशिएंसी रहेगी। देखिए जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं तो P1V1 = P2V2 होता है हमारे पास, ये बात स्टेप वन की है, जब वर्क डन होता है फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड।
यानी कि पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। लेकिन जब बी पॉइंट की हम बात करते हैं वी टू पी टू एंड वी थ्री सी पर पी थ्री लाइज ऑन सेम एडियाबेटिक, इसलिए पी टू वी टू गामा पी टू पी थ्री वी थ्री गामा ये दोनों भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब सी और डी की बात करते हैं, इसमें देख लीजिए आप सी और डी, पहला पॉइंट हमारे पास ए है ये, फिर बी और सी और ये डी, इन चारों पॉइंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सी और डी लाई ऑन द सेम आइसोथर्मल, तो उसमें भी पी थ्री वी थ्री पी मतलब गामा के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फाइनली डी टू ए में भी सेम रही हमारे पास, तो कहने का मतलब हमारे पास चार इक्वेशन बनेगी इस हिसाब से, इक्वेशन एक, इक्वेशन दो, इक्वेशन तीन, इक्वेशन चार, ठीक है। और मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, और जो मैथमेटिकली आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये आएगा मैथमेटिकली सॉल्व करने से वी टू गामा की पावर माइनस वन वी फोर गामा की पावर माइनस वन वी वन, तो ये इक्वेशन हमारी बन जाती है। तो क्लियर अ पॉइंट, अब बेस पावर हम रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि पावर सेम है, तो हमारे पास फिर क्या बचेगा वी टू वी फोर इंटू वी वन वी थ्री, मल्टीप्लाई करके चलते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन आती है, फिर इसको हम रीअरेंज कर देते हैं, रीअरेंज करने के बाद दोनों तरफ का हम लॉग लेते हैं, लॉग टेबल के हिसाब से करेंगे इसको, तो लॉग टेकिंग लॉग वी गेट हमारे पास अनदर इक्वेशन, फिर करेंगे हम डिवाइडिंग क्यू टू बाई क्यू वन, तो क्यू टू और क्यू टू मतलब डिवाइड जब हम करेंगे तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाती है के टी टू लॉग ई वी थ्री डिवाइड बाई वी फोर ये वाली, और फिर ये वाली आ जाएगी, तो टी टू बाई टी वन हमारे पास टेम्परेचर बन गया, यानी कि क्यू टू बाई क्यू वन इज इक्वल टू टी टू बाई टी वन, यानी कि एफिशिएंसी हमारी फिर क्या हो जाएगी वन माइनस टी टू बाई टी वन, तो ये हमारे बनती है इसमें एफिशिएंसी। तो इसका मतलब हमारे पास चार स्टेप बनते हैं, पहला स्टेप वर्क डन फ्रॉम पी वन वी वन से, फिर दूसरा स्टेप पी टू वी टू से, फिर तीसरा, फिर चौथा, यानी कि चार स्टेप बनते हैं। आज यदि हम फिगर पर देखना, पहला स्टेप हम वर्क डन यहाँ से लेकर चलेंगे ये पी वन ए से, फिर वर्क डन बी से लेकर चलेंगे, फिर वर्क डन सी से, फिर वर्क डन डी से ले चलेंगे, और ये हमारे पास टोटल वर्क डन रहेगा क्यू वन माइनस क्यू टू। ये हमारे पास कॉर्नर साइकिल की पूरी जानकारी जो आपको एग्जाम में भी कई बार पूछी जाती है। इसके मतलब क्या है, इसमें टोटल वर्क डन हम किस तरह से लेंगे, डब्लू वन प्लस डब्लू टू मतलब वर्क डन एट ए प्लस वर्क डन एट बी माइनस वर्क डन एट सी माइनस वर्क डन एट डी, ये टोटल वर्क डन रहेगा हमारे पास, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है कि रिवर्सिबल प्रोसेस है हमारे पास। क्लियर है ना पॉइंट, मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे किया तो ये हम लेकर चलेंगे मल्टीप्लाई में, यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई लेकर चलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। पी वन वी वन पी टू वी टू की पावर गामा, ठीक है, तो माइनस में आ जाएगा ये। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक जिसमें हमने किया कॉर्नेट साइकिल के बारे में, कॉर्नेट इंजन के बारे में। तो इससे जो हमारी इक्वेशन बनती है ये, इससे क्या बात सामने आती है, नंबर एक इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस यानी कि गैस, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स एंड देन सिंक ओनली, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। एफिशिएंसी ऑफ कॉर्नेट इंजन डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, दूसरा डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक, तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, तब तक आपसे लेते हैं इजाज़त, जय हिंद।